हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 uh, हम इस वीडियो में सारे हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल जो नया चेंज लाया है एजुकेशन सिस्टम में वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाली है जो लोग एन टी ए NTA, की एग्जाम देने वाले हैं जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे उस उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं भी दे रहे हो तभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो new educational policy 2020 go, 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 go. if you are preparing for net set examination i am teaching live on an academy platform सो so, ये मेरा कुछ प्रोफाइल है मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है और स्पेशल से, सेशंस भी मैं ले रहा हूँ अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे फिलहाल हमने इनकम टैक्स शुरू किया है तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन टी ए नेट सेट आप अटेंड करें स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री है और सेशन अटेंड करने के बाद अगर आपको सेशन समझ में आते हैं लेक्चर समझ में आते हैं तो मेरे प्रो, प्रोफाइल को फॉलो करें और कोर्स को आप रेट रिव्यू भी कर सकते हैं तो अन एकेडमी आप ऐप जो है वो डाउनलोड करें लर्निंग ऐप और उसमें जाके राहुल मोहिले ढूंढे एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेटसेट सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मेरा कूपन कोड आप यूज़ करें आपके क्रेडिट से आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी सम ऑफ द हाइलाइट्स तो ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है इसके लिए जो रिपोर्ट सबमिट किया था वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया था डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड नाइनटीन को ये रिपोर्ट सबमिट हुआ था और उसके बेसिस पे ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वो फॉर्म हुई है और जो टारगेट है अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, या किस किनोंने ये रिपोर्ट सबमिट किया था तो वो रिपोर्ट किस बेस पे दिया गया है ड्राफ्ट किन्होंने प्रिपेयर किया था

हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आप सभी लोगों को अभी सारे सब्जेक्ट्स डिसाइड करने में आप अपने बेसिस पे आपको जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं कुछ मेजर सब्जेक्ट और कुछ माइनर सब्जेक्ट तो मेजर सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे और माइनर सब्जेक्ट आप अपने बेस पे जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इस एजुकेशनल पॉलिसी में एंड यू कैन डिसाइड एनी सब्जेक्ट विच एवर यू वॉन्ट विच एवर इज़ योर इंटरेस्ट यू कैन डिसाइड फिर मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट का सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया है काफ़ी हेल्पफुल uh, है ये स्टूडेंट्स के लिए देखो अभी कैसे होता है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और और आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद फर्स्ट ईयर कर लिया और फर्स्ट ईयर के बाद ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस आपका अगर स्टडीज छूट गया है तो ऐसे केस में आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो इन्होंने अभी क्या किया है कि जैसे ही आप आ, ए, फर्स्ट ईयर क्लियर करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर के बेसिस पे आ, एक सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट ईयर के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फिर सेकेंड ईयर हो जाएगा सेकेंड ईयर के बेसिस पे सर्टिफिकेट मिलेगा ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इसमें दिए गए हैं जैसे कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल सकता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आपको डिग्री का भी सर्टिफिकेट मिलेगा मतलब अगर ड्यू टू एनी रीज़न अगर कुछ भी रीज़न की वजह से अगर किसी का ड्रॉप लग गया है या किसी ने पढ़ाई किसी की पढ़ाई छूट गई है तो वो क्रेडिट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा फिर अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है ग्रेजुएशन जो होने वाला है वो थ्री टू फोर इयर्स का करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वन टू टू इयर्स का होगा और जो एम कोर्स है मास्टर इन फिलोसॉफी जो आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत लोग करते थे तो वो अभी डिसकंटिन्यूड किया जाएगा और क्रेडिट्स जो होंगे जो आपके क्रेडिट्स है ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हो गवर्नमेंट हैज़ इट ओन ऐप डिजी लॉकर तो उसके बेसिस पे सारे अपग्रेडेशन होने वाले हैं मतलब जो भी आपके पिछले क्रेडिट्स होंगे वो सारे क्रेडिट्स ट्रांसफर हो सकेंगे आगे बढ़ते हैं सो नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग फॉर्म हुआ है नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग जहां पे मेंटरिंग किया जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सिंगल रेगुलेटर होगा अभी हायर एजुकेशन के लिए जैसे यूजीसी है एआईसीटी है तो अभी इनके बेसिस पे एक सिंगल रेगुलेटर होगा जो सारे एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा नेक्स्ट इज कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अभी सेम होंगे पब्लिक के लिए भी एज वेल एज प्राइवेट के लिए भी और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इन एजुकेशन विल रीच टू सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी एट द अर्लीस्ट तो कोठारी कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि सिक्स परसेंट ऑफ़ द जी डी पी शुड बी इन्वेस्टेड फॉर एजुकेशन पर्पज तो ये भी यहाँ पे दिया गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होगा एजुकेशन में गवर्नमेंट का वो सिक्स परसेंट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना चाहिए जल्द से जल्द ये करना है नेक्स्ट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ का फॉर्म होगा नेक्स्ट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन देखो बहुत सारे इंडिया से बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो उस लेवल पे उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए ताकि बच्चे इंडिया से फॉरेन में ना जाए और फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके पढ़े उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा ऐसा इस इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया है नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम तो इसकी भी स्थापना की जाएगी ये भी फॉर्म होगा एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा उसका नाम अभी चेंज है और उसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सो ये आपको नाम याद रखना है कि पेपर में पूछा जा सकता है कि uh, MHRD का नया नाम क्या है तो एमएचआरडी का नया नाम होगा अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओके सो मेनी हाईलाइट आर गिवन ओवर हियर जो टेक्नोलॉजी इन टीचिंग का यूज़ होने वाला है लर्निंग एंड असेसमेंट सो काफ़ी सारे ऑनलाइन मोड्स को यूज़ करके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट को प्रमोट किया जाएगा एंड ई कंटेंट जो डेवलप होने वाला है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी डेवलप होगा यही इस एजुकेशनल पॉलिसी की बेसिक uh, पॉइंट है देन दिव्यांग के लिए फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया जाएगा सो दीज आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के इसमें भी काफ़ी सारा रिफॉर्म्स लाया है अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में अगर हम देखें तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होगा फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का करिकुलर फॉर्म होने वाला है उसके बेसिस पे मतलब कैसे होगा कि अप टू फिफ्थ ईयर अप टू फाइव स्टैंडर्ड प्री स्कूल होगा सिक्स टू एट अगर देखा जाए तो वो मिड स्कूल होगा एट टू इलेवन अगर देखा जाए तो वह स्कूल होगा और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद ग्रेजुएशन के लिए बच्चे जाएंगे और जो भी डिग्री होगी वो फोर इयर्स की होगी और सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं तो वोकेशनल कोर्सेज सिक्स स्टैंडर्ड से मतलब होंगे उसमें बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग के लैंग्वेजेस कोडिंग के जो पॉइंट्स है वो सारे मतलब एक वोकेशनल पार्ट पे ज़्यादा इन्होंने इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा जिसमें बच्चा खुद को जज कर सकता है उसके पीयर टीम उसके टीचर्स जज करेंगे उसके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी जज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली 360 डिग्री अप्रेजल यहाँ पे होगा फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर परक ये फॉर्म होगा एंड एन जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे विल कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट तो ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे सो so, ये सारे पॉइंट्स हैं अटेंडिंग दी फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025 तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके ऊपर से उसके बेसिस पे ये टारगेट फिक्स किया गया है और 100 परसेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030 और ब्रिंगिंग बैक टू करोर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन मतलब जो जो चिल्ड्रेंस जो है जिन्होंने एजुकेशन स्टॉप किया है उनको फिर से लाया जाएगा और टीचर्स जो है टीचर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टीचर्स जो है टू बी प्रिपेयर फॉर द असेसमेंट रिफॉर्म्स टिल टू ट्वेंटी मतलब जो असेसमेंट में नए रिफॉर्म्स होंगे ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसके लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल विद एटलीस्ट वन स्किल मतलब जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसमें पढ़ाई से रिलेटेड तो बातें वो सीख ही रहा है उसके साथ उसको एक वोकेशनल कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग या एटलीस्ट उसके बाद उसके पास एक स्किल होगी जो वो आगे जाके यूज कर सकता है और एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया जाएगा पब्लिक स्कूल्स के लिए भी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए तो देर विल बी अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फिक्स फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट स्कूल तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ये हाईलाइट्स आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ थैंक यू वेरी मच